को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, हमारी नौकरी लग गई। कंग्रेचुलेशन। कंटिन्यू। अरे वरुण भैया बधाई हो, सिर्फ पेड़े से काम नहीं चलेगा, हाँ हाँ पार्टी तो देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। बिल्कुल देंगे पार्टी, और आप सबको पता है ये जॉब मिलने का श्रेय सबसे ज़्यादा भाभी को जाता है, जो प्रेजेंटेशन में उन्होंने मदद की ना हमारी, उसी से हमें जॉब मिली। अब साले साहब को नौकरी तो मिली गई है, अब इनके लिए लड़की देखना भी शुरू कर देते हैं, क्यों दादी? वाह दामाजी, आज पहली बार पते की बात की है आपने। वरदान ने बोला उधर से, जॉब कहाँ लगी? वरुण आके इधर बैठा, आप हो गए, यहाँ बैठा हो गया सर। कंटिन्यू कर लिया, कंटिन्यू। वरदान ने पूछा, अच्छा वरुण कहाँ जॉब लगी? परिवर्तन आपके एक एनजीओ में मिला। सैलरी? महीने के 15,000 दे रहे हैं। अच्छा वैसे मुझे दिलारी, तुम्हारी तनख्वाह कितनी? महीने का 20,000। अच्छा 15,000 में खुद क्या खाओगे और अपने परिवार को क्या खिलाओगे? वरुण पत्नी तो छोड़ के ऐसे ही भाग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भैया, आपकी बातों में चिंता मत करिए, पत्नी पति को बुलाए पति के पैसों से नहीं बल्कि पति के दिए हुए सम्मान से खुश होती है। हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी पत्नी को प्यार भी देंगे और सम्मान भी देंगे। हाँ पार्टी देना बिल्कुल मत भूलिए, अब लेने नहीं भूलूंगी, समझे? कुछ लेने गई वो साधन जी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है बेटा? गोल्ड। लो लो कितनी की देखती रहो, चार्ज क्या बोलेगी भी, क्या बोलेगी, क्या बोलेगी? फुल बैग, फुल बैग, टू शॉट, टू शॉट, तो ऐसा होता, सॉरी एंड सेम क्यों देना एंड एक्शन। कितनी तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? लो सबके सामने लाकर तो कोई ना कोई बहाना तो बनाना बना ही लेंगे। बेहतर ये होगा कि हम पहले पता कर लें कि आखिर वरदान और किसी के बीच में चल क्या रहा है।